मैं गोविंद मोदानी रुक्मणी बिड़ला हॉस्पिटल से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूं। जब से यहां डायलिसिस यूनिट शुरू हुई, मैं यहां हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहा हूं। उसके बाद में मतलब यहां की हाइजीन, स्वच्छता, स्टाफ की अटेंटिवनेस, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी रही, बहुत कोऑपरेटिव रहे, तो मैं लगातार इस हॉस्पिटल से जुड़ा रहा। और जब यहाँ KTU यूनिट शुरू हुई ट्रांसप्लांट की, तो मैंने कैडेवर में रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में काफ़ी समय तक कोई किडनी अवेलेबल नहीं हो पाई, तो कोई कार्रवाई उसमें हो नहीं पाई, लेकिन अभी 23 तारीख को मेरा किडनी का कैडेवर ट्रांसप्लांट यहाँ हुआ। उसके एक दिन पहले यहाँ के कोऑर्डिनेटर नवीन जिंदल पूरी रात मेरे साथ संपर्क में रहे कि मेरे को किडनी प्राप्त हो सके और यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो सके। उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जैसे बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये सारा अरेंजमेंट किडनी ट्रांसप्लांट का उन्होंने करवाया। यहाँ का जो सर्जरी का स्टाफ है वो भी बड़ा कोऑपरेटिव रहा। और यहाँ जो मैं जिस यूनिट में हूँ पिछले 8 दिन से, तो यहाँ का स्टाफ बड़ा ही समझदार, मेहनती और ध्यान रखने वाला है। मुझे इन्होंने परिवार का ही एक सदस्य समझकर मेरी पूरी सेवा की और मुझे कभी नाम से या पेशेंट के नाम से नहीं बुलाया, हमेशा मुझे आदर सूचक परिवार का बड़ा सदस्य समझते हुए ही रखा। यहाँ का चाहे डॉक्टर्स हों, नेफ्रोलॉजिस्ट हों, चाहे यहाँ का कंपाउंडर स्टाफ हो या जो कार्यकर्ता हैं जो साफ सफाई करते हैं, वो सब बराबर ध्यान रख रहे थे और उसी के कारण मैं आज स्वस्थ स्थिति में यहाँ मौजूद हूँ। मुझे बड़ा खुशी है कि मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ के और एक नया जीवन दान प्राप्त कर रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ के पूरे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन और सभी डॉक्टरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ।